नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। एक समय बॉलीवुड की टॉप की अदाकारा, जिसने अपने करियर में किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, विश्वजीत जैसे कई सुपरस्टार संग काम किया, लेकिन कौन जानता था किस खूबसूरत हीरोइन का अंत इतना दर्दनाक होगा कि सुनने वालों की रूह कांप उठेगी। आज भी अगर कोई इनकी ट्रेजेडी भरी दास्ता सुनता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन जानता था कि इनकी मां की बदनामी हमेशा के लिए माथे की कलंक बन जाएगी। पति जिसे जमाना बेहद प्यार करने वाला मानता था, फिर क्यों उसने अपनी पत्नी यानी सुपरहिट अभिनेत्री को गोलियों से भून डाला, यहां तक कि अपनी बेटी को भी मार डाला, बेटे पर भी गोली चला दी। इतनी हिट होने के बाद भी क्यों इन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने को मजबूर होना पड़ा, जिनकी बदनसीबी और बदनामी बचपन से ही इनके साथ रही और आखिरकार विवादों के भेंट चढ़ गई। क्यों इनकी बहन को ही इनकी नाजायज बेटी करार दिया गया और क्यों उस नाजायज बेटी कहे जाने वाली बहन को पहले बार डांसर बनना पड़ा और फिर अपने जिस्म का सौदा भी करना पड़ा, और फिर कैसे वो बनी बॉलीवुड फिल्मों की टॉप की लेखिका। जानेंगे ये सारी बातें, आप बने रहे हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक समय फिल्मी पर्दे पर छाने वाली एक बदनाम माँ की वो बदनसीब बेटी थी सईदा खान। 24 अक्टूबर 1949 को सईदा खान का जन्म कलकत्ता के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी माँ का नाम था अनवर जा बेगम, कुछ लोग इन्हें अनवरी बेगम भी कहते थे। वो भी एक कलाकार थी, लेकिन सईदा के पिता की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उस वक्त तो कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि सईदा अनवरी बेगम के देह व्यापार का नतीजा है, यानी उनकी नाजायज औलाद है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। सईदा के एक भाई भी थे जिनका नाम था अनवर। परिवार बेहद गरीब था, इसलिए सईदा की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई। सईदा खान को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था, वे हीरोइन बनने का सपना देखती थी। सईदा खूबसूरत तो नहीं मगर दिलकश जरूर थी और टैलेंटेड भी। उनकी चेहरे की मासूमियत और सॉफ्ट आवाज लोगों को इनका दीवाना बना देता था। एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर HS रावेल से हुई। उन्होंने सईदा के माँ से बात की तो वो तुरंत मान गई और इस तरह सईदा फिल्मों में आई। रावेल साहब ने सईदा को अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म को बनने में थोड़ी सी देर हो गई, तभी सईदा खान ने 1960 में हिंदी फिल्म हनीमून से डेब्यू किया। फिल्म में उनके हीरो मनोज कुमार थे, फिल्म के अन्य कलाकार विजया और राधा किशन थे, फिल्म के निर्देशक राज भाखरी और संगीतकार सलील चौधरी थे। फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन साल 1960 में ही सईदा खान की एक और फिल्म आई, अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म में सईदा खान के हीरो किशोर कुमार थे, फिल्म के निर्देशक मोहन सहगल और संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। और अब 1961 में निर्देशक HS रावेल की फिल्म कांच की गुड़िया आई। इस फिल्म में सईदा खान के हीरो मनोज कुमार थे। यह फिल्म सफल रही और सईदा खान टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। फिर सईदा ने किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, विश्वजीत जैसे कई सुपरस्टार संग काम किया। इन फिल्मों में इनके काम को पसंद भी किया गया, लेकिन धीरे धीरे सईदा को अच्छी फिल्में मिलने कम हो गए। ऐसा माना गया कि उस दौर में खूबसूरत और अच्छी डांसर अभिनेत्रियों की एंट्री हिंदी सिनेमा में होने लगी थी और सईदा के पास मासूमियत के अलावा कुछ और नहीं था। ना ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही अच्छी डांसर। सईदा के कमाई से ही उनका घर चलता था। माँ और बहन भाई का पेट भरने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत तो थी ही, इसलिए मजबूरन सईदा ने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मानो इनके ऊपर इसी कैटेगरी के फिल्म करने का ठप्पा लग गया और अच्छे रोल मिलने बंद ही हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि सईदा डिप्रेशन में जाने लगी। सईदा को अच्छी फिल्मों में काम ना मिलने का एक कारण उनकी माँ को भी माना गया। दरअसल मुंबई आने के बाद जैसे जैसे लोगों को सईदा की पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चलता गया, लोगों का सईदा और उनकी माँ के प्रति नजरिया बदलने लगा।
फिल्में तो मिलनी कम हो ही गई थी, साथ ही सईदा को लोगों के ताने भी झेलने पड़े। इसका एक कारण और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो बताऊंगा वही कारण था जिसके चलते इनके पति ने सईदा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सईदा की आखिरी फिल्म थी वासना, जो 1968 में रिलीज हुई थी। इसमें वो चमेली बाई के साइड रोल में नजर आती है। अपने 8 साल के करियर में सईदा की झोली में मात्र 17 से 18 अच्छी फिल्में ही मिल पाई थी। जिंदगी परेशानियों से गुजर रही थी, तभी उनके जिंदगी में अच्छे पल लेकर आए मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रिज सदाना। उन्होंने न केवल सईदा की मदद की बल्कि सईदा के सामने शादी का भी प्रस्ताव रखा। ये वही ब्रिज सदाना थे जिन्होंने 60 और 70 के दशक में दो भाई, ये रात फिर ना आएगी, उस्तादों के उस्ताद, एक से बढ़कर एक, विक्टोरिया नंबर 203, नाइट इन लंदन, यकीन, प्रोफेसर प्यारेलाल जैसी हिट फिल्में दी। शादी का मन तो सईदा का भी था, लेकिन उन्हीं की कमाई से घर चलता था। अगर सईदा शादी कर लेती तो उनकी माँ और बहन का क्या होता। सईदा ने यह सारी दुविधा जब ब्रिज सदाना को बताई तो सदाना मुस्कुराते हुए खर्च उठाने को राजी हो गए और इसका विश्वास भी दिलाया कि मैं आपकी बहन और माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। बाहरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सईदा जहां भी जाती यही कहती कि उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। सईदा के दो बच्चे हुए, बेटी नम्रता और बेटा कमल। फिर कुछ साल बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। 21 अक्टूबर 1990 को सईदा के बेटे कमल का 20वां जन्मदिन था। कमल ने इस हादसे के बारे में बताया था कि मेरे जन्मदिन वाली सुबह मम्मी पापा का झगड़ा हुआ था। शाम तक पापा ने रोज से ज़्यादा शराब पी ली थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चला गया और आधी रात के बाद मैं दोस्तों के साथ बंगले पर वापस आया और सब मेरे कमरे में चले गए। इसके बाद हमें शूटिंग की आवाज़ आई और हम सब दोस्त भागते हुए नीचे आए। कमल ने बताया, पिता ने उनकी माँ को गोली मार दी थी। तभी उनकी बहन माँ को बचाने आई तो पिता ने उसे भी गोली मार दी। मुझे देखकर पिता ने मुझ पर भी गोली चला दी, लेकिन वो मेरे गले को छूकर निकल गई और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ और बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने सोचा कि पता नहीं पापा का क्या हाल होगा, और जब हम घर वापस आए तो देखा कि वो भी खून में लथपथ पड़े थे। उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी। इसके बाद कमल ने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। बाद में बेटे कमल और परिवार वालों के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ कि सईदा से उनके पति हमेशा बुरी तरह से लड़ाई और मारपीट किया करते थे। लड़ाई करने और उस दिन ब्रिज सदाना के हैवान बनने का कारण थी सईदा की बहन शगुफ्ता रफीक। दरअसल सईदा के पति ब्रिज सदाना हमेशा शक करते रहते कि सईदा की जो बहन है वो बहन नहीं बल्कि उन्हीं की नाजायज बेटी है। उन्हें बताया गया था कि शगुफ्ता को उनकी माँ अनवरी बेगम ने गोद लिया था, पर फिल्म इंडस्ट्री में भी सईदा और शगुफ्ता को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती थी। शगुफ्ता का चेहरा बहन से काफी हद तक मिलता था और सईदा भी बहन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। ब्रिज सदाना को इस पर शक होता था और इस बात को लेकर अक्सर सईदा से झगड़ा होता रहता था, और आखिरकार अपने ही बेटे के जन्मदिन की रात ये इंसान हैवान बन गया और एक परिवार तहस नहस हो गया। तीन जाने चली गई और चौथा हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती रही। इस हादसे के करीब 11 साल बाद 2001 में कमल सदाना ने शादी कर ली। वो काजोल की पहली फिल्म बेखुदी के हीरो रहे। उन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, मगर बदकिस्मती उनके पीछे भी पड़ी रही। रंग, बाली उमर को सलाम, रॉक डांसर, करकस आदि एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। उन्होंने पिता ब्रिज की विक्टोरिया नंबर 203 का रीमेक भी बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। सईदा की हत्या के बाद उसकी छोटी बहन शगुफ्ता रफीक अकेली पड़ गई। माँ और भाई के लिए उन्हें पहले बार गर्ल बनना पड़ा, फिर जिस्म का सौदा भी करना पड़ा। मगर शगुफ्ता बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए जल्दी ही इस दलदल से निकल आई।
तकदीर ने भी साथ दिया, महेश भट्ट ने उसे आसरा दिया। जिंदगी के कड़वे तजुर्बों को शगुप्ता ने कलमबद्ध किया। उनके फिल्मों की लिखी कहानियां बेहद दमदार रही है। मालूम हो कि वो फिल्म लम्हे, आवारापन, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आशिकी, हमारी अधूरी कहानी, ये सारी स्टोरी शगुप्ता ने ही लिखी है और अब वो फिल्म जगत का जाना पहचाना नाम बन चुकी है। सईदा और उसकी बहन की क्या हकीकत थी हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ जिंदगियां ऐसे ही चलती है, ट्रेजिक फिल्म की तरह। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।